जाओ। क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? चैप्टर टू स्टार्ट किए थे है ना, कुछ छोटा मोटा कॉन्सेप्ट पढ़े थे चैप्टर टू का। सब किए हुए हो ना चैप्टर टू का क्लास? कि कोई डायरेक्टली आज सेकंड क्लास में आया है? सब किए हो मेरे हिसाब से, ऑलमोस्ट सभी लोग चैप्टर टू का फर्स्ट क्लास कर रखे हैं है ना। चलो अब एक बार शॉर्ट रिविजन कर लेते हैं क्या पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास में, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, हम लोग शुरू किए थे नेक्स्ट लास्ट क्लास में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में शुरू किए थे ये चैप्टर को। अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग दो कॉन्सेप्ट है, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट जस्ट स्टार्ट किए थे, एक था कार्डिनल यूटिलिटी और दूसरा था ऑर्डिनल यूटिलिटी। जिसमें से हम लोग सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? कार्डिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्डिनल यूटिलिटी पूरा लास्ट में आएगा चैप्टर के। अभी ये आज का क्लास भी पूरा हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक शॉर्ट रिवीजन, कोई बताओ कार्डिनल क्या होता है, ऑर्डिनल क्या होता है? कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब होता है जब हम यूटिलिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, जब हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। और दूसरा है हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी, यहां पे हम मेजर नहीं करते, यहां पे हम क्या करते हैं, रैंकिंग करते हैं। तो रैंकिंग जब करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, कृति, मुस्कान, तो ऐप से क्यों नहीं किए? 2 दिन पूरा, 2 दिन क्या 4 दिन नेट स्लो था तुम्हारा, बताओ ऐप से क्लास क्यों नहीं किए? हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम लोग उसमें शुरू करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ये तो पता है, जहां पे हम लोग यूटिलिटी को क्या करने वाले हैं, मेजर करने वाले। ठीक है, हम यूटिलिटी को जहां पे, अच्छा आप मेजर कैसे करेंगे? कुछ यूनिट्स में मेजर करना पड़ेगा, जैसे हाइट मेजर करते हो, वेट मेजर करते हो है ना, वैसे यूटिलिटी को भी किसी यूनिट में मेजर करना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूटिल्स बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूटिल्स। ठीक है, मेजर करेंगे किसको, यूटिलिटी को, कौन से यूनिट में, यूटिल्स में हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है चलो, अब मुस्कान ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करके आना है क्लास, अगर पिछला क्लास छूटा हुआ होगा तो सब ऐप से करके आना है। ठीक है, डायरेक्टली अगर तुम किसी चैप्टर का मिडिल वाला क्लास करोगे तो ऑब्वियसली समझ में नहीं आएगा। ठीक है चलो, अब आते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में। यूटिलिटी क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं, ये सब हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे। ठीक है, अब डायरेक्टली चलते हैं हम लोग टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, वो भी हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। एक एग्जाम्पल लिए थे याद करो, जिसमें टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, एवरेज यूटिलिटी क्या होता है, सब डिस्कस किए थे। चलो वैसे ही बताओ टोटल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी किसको बोलेंगे, टोटल सेटिस्फेक्शन जिसमें मिलेगा, किसमें मिलेगा टोटल सेटिस्फेक्शन? मान लो हम जो एग्जांपल लिए थे लास्ट क्लास का, फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। मान लो मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, फर्स्ट यूनिट खाया, कितने का यूटिलिटी मिला, 200 का। ठीक है, सेकेंड यूनिट खाया मुझे 100 एंड मान लो 50 का मिलता है या 180 का, जो भी मिलता है यूटिलिटी मिला। तीसरा यूनिट कंज्यूम किया मुझे, कृति वेरी गुड, ये हमारा आया मान लो 80 का यूटिलिटी। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर मैं टोटल यूटिलिटी निकालूँ, टोटल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट का कंजम्पशन कितना होगा 200, टोटल यूटिलिटी सेकेंड यूनिट का कंजम्पशन में कितना होगा, पहले का 200 प्लस अभी का 150, टोटल कितना हो गया 350। तो टोटल यूटिलिटी दो यूनिट को कंज्यूम करने से कितना मिला हमको, 350 मिला। वैसे ही टोटल यूटिलिटी तीन यूनिट को कंज्यूम करने से, फर्स्ट यूनिट का 200 प्लस सेकेंड यूनिट का 150 प्लस थर्ड यूनिट का 80 इक्वल्स टू कितना आ गया ये 430। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल यूटिलिटी। तो वैसे आगे भी निकाल सकते हो, फिफ्थ यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, सिक्स्थ यूनिट का, ठीक है। चलो, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी। जितना कॉमोडिटी है सभी को कंज्यूम करके जो हमको सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब ये वही एग्जाम्पल दिया है जो हम एग्जाम्पल लिए थे, उसी टाइप का एक दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला अगर हम देखें तो फॉर्मूला में क्या है, टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट्स इक्वल्स टू यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस डॉट 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 लास्ट, ठीक है। एन यूनिट्स का अगर टोटल यूटिलिटी निकालना है तो सभी का क्या करेंगे, इंडिविजुअल यूटिलिटी को ऐड कर देंगे, तो टोटल यूटिलिटी हमारा निकल जाएगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी हम पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में। क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी, किसको बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल किसको बोलते हैं मार्जिनल, वो तो फॉर्मूला तुम बताए ठीक है, वो फॉर्मूला बताए वो ठीक है, मार्जिनल बोलते किसको है, डिफरेंस किस चीज का डिफरेंस, एक्स्ट्रा यूटिलिटी डेराइव्ड बाय कंज्यूमिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द कॉमोडिटी, है ना। एक्स्ट्रा यूटिलिटी डेराइव्ड बाय कंज्यूमिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द कॉमोडिटी। अब इसका मतलब क्या है, देखना, मान लो स्टार्टिंग में मैं जीरो यूनिट कंज्यूम किया तो जीरो यूटिलिटी मिला, कुछ भी नहीं खाऊंगा तो ऑब्वियसली मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो कितने का यूटिलिटी मिला था, 200 का। सेकेंड यूनिट जब कंज्यूम किया तो कितने का मज़ा आया था, 150 का। थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो कितने का मज़ा आया था, 80 का। अच्छा, अब टोटल यूटिलिटी तो तुम निकाल ही सकते हो, यहाँ पे निकाल लो टोटल यूटिलिटी कितना होगा, जीरो यूनिट में जीरो, 200, 350 और 430। अब मैं बोलूँ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, देखना, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है, एडिशनल यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द गिवन कॉमोडिटी। एडिशनल यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द गिवन कॉमोडिटी। जैसे ही हम एक यूनिट बढ़ाएंगे, मतलब जीरो से वन में जाएंगे, एक एक्स्ट्रा यूनिट का कंजम्पशन किए हम लोग, ठीक है, यूटिलिटी कितना एक्स्ट्रा मिला, 200 का। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही जब हम वन से टू में जाएंगे, एक एक्स्ट्रा यूनिट फिर से कंज्यूम किए, अब ये एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने के लिए हमको कितना एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिला, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 150 का। अच्छा, मैं एरो यहाँ बना दिया, एरो यहाँ बना लो डायरेक्टली, ठीक है, ये कितना आएगा, 150। वैसे ही जब मैं दो यूनिट से तीन यूनिट में गया तो मुझे कितना एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिला, 350 से लेके 430, मतलब 80 यूनिट हमको एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिला, 80 यूटिलिटी एक्स्ट्रा मिला। तो ये जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी है इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, अब इसका अगर फॉर्मूला बनाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो, क्या ये मैं 200 को ऐसा लिख सकता हूँ, टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ जीरो यूनिट, क्या आएगा आंसर, 200 माइनस जीरो इक्वल्स टू 200। क्या मैं ये 150 को ऐसा लिख सकता हूँ, टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट, क्या आएगा आंसर, 350 माइनस 200 इक्वल्स टू 150। क्या ये 80 को हम ऐसे लिख सकते हैं, टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊँ तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस वन यूनिट, मतलब एक यूनिट कम,
है ना, ये टू को क्या लिख सकते हैं हम लोग, थ्री माइनस वन, एन इक्वल्स टू होगा थ्री लेंगे तो ये फॉर्मूला में पुट करो वही आएगा, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया हमारा क्या, मार्जिनल यूटिलिटी। अब इट इज द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द लास्ट यूनिट ऑफ द कॉमोडिटी परचेज। उसके बाद ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, वही आइसक्रीम का एग्जाम्पल दिया है, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस वन यूनिट, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला, वन मोर वे टू कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, क्या है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, करके देखते हैं अपने एग्जाम्पल में क्या आ रहा है, क्या ऐसा अपने वाले एग्जाम्पल में करके देख लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी एक बार हटा देते हैं यहाँ से, सब इसी एग्जाम्पल में करके देख लेते हैं, सेकेंड फार्मूला को भी यहीं पे प्रूफ करके देख लेते हैं सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा यूनिट्स, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, यही था फॉर्मूला। अब डेल्टा टोटल यूटिलिटी निकालो, डेल्टा टोटल यूटिलिटी मतलब, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, जब मैथ्स में भी कहीं पे डेल्टा पढ़ोगे तो वो डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा टोटल यूटिलिटी का मतलब चेंज इन, इसको चेंज इन टोटल यूटिलिटी, अच्छा टोटल यूटिलिटी कितना से चेंज हो रहा है थोड़ा देखो, तो जब हम पहले में तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, जीरो में जीरो ही रहेगा, यहाँ पे कितना से चेंज हो रहा है, यहाँ पे कितना से चेंज हो रहा है, यहाँ पे कितना से चेंज हो रहा है, डेल्टा यूनिट्स करके देखो कितना से यूनिट्स, स्टार्टिंग में तो कुछ चेंज नहीं होगा, नेक्स्ट में कितना से चेंज हो रहा है, वन से, फिर कितने से हो रहा है, वन से, फिर कितने से हो रहा है, वन से। अब ये वन कहाँ से आया, जीरो से हम वन गए तो कितना से चेंज हुआ, वन से, वन से जब टू गए फिर कितना से चेंज हुआ, वन से, टू से जब थ्री गए फिर कितना से चेंज हुआ, वन से, ठीक है। अब फॉर्मूला में लगा लो, डेल्टा टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा यूनिट्स कितना आएगा, 200 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 200, 150 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 150 और 80 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 80, बात बराबर है, वही आया हमारा आंसर, देख लो पहले भी यही आया था अभी भी वही आया, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का दो फॉर्मूला, एक तो टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस वन यूनिट, और दूसरा क्या है, डेल्टा टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा यूनिट्स, ठीक है। चलो अच्छा एमसीक्यू किए थे आज, आज इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू आया होगा, कर लिए, ग्रुप में नहीं हो तुम, इनवाइट लिंक, वो तुम्हारा जो नॉर्मल अकाउंट्स वगैरह का ग्रुप है इकोनॉमिक्स का, उसमें इनवाइट लिंक आया होगा, उसको क्लिक करोगे तो ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। चलो विदिशा डन, यहाँ कौन कौन किया आज एमसीक्यू, फर्स्ट चैप्टर का आया था, फर्स्ट चैप्टर का दोनों बैच में कंप्लीट हो गया इसीलिए फर्स्ट चैप्टर का दिए थे, आज सुबह आया था 10-11 बजे, अच्छा हाँ वो गलत था, हाँ दो ठो उसमें एमसीक्यू में प्रॉब्लम है, मतलब गलत आंसर सिलेक्ट हो गया है, उसको मैं आज करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो किए थे, यस कृति, डेली कोई ना कोई सब्जेक्ट का आएगा, ठीक है, चार सब्जेक्ट है, चारों में से डेली कोई ना कोई सब्जेक्ट का आएगा, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स और एक क्या है, अप्लाइड मैथ्स, ये चार सब्जेक्ट में से डेली किसी ना किसी सब्जेक्ट का आएगा, ठीक है। और एग्जाम के पास जा जाके डेली दो दो तीन तीन सब्जेक्ट का आना शुरू होगा, अभी इनिशियली एक सब्जेक्ट का डेली आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा बाद में पढ़ते हैं, पहले आता है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसको पढ़ने से पहले एक बार एक टेबल है, ये टेबल को पढ़ते हैं, आ जाओ यहाँ पे, हम जैसे आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे थे, बुक वाला भी वैसे ही आइसक्रीम कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। जब बुक वाला फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, उसको मार्जिनल यूटिलिटी कितने का मिला, 20, टोटल यूटिलिटी 20। जब सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया, उसको कितने का सेटिस्फेक्शन मिला, 16, और टोटल यूटिलिटी कितना, 36। थर्ड यूनिट जब किया तो 10 और 46, फोर्थ यूनिट जब किया तो 50, फिफ्थ यूनिट जब किया तो 0, और ये 50 और 6 यूनिट किया तो नेगेटिव यूटिलिटी।
अच्छा ये नेगेटिव क्यों हो गया? नेगेटिव जब हम किसी गुड्स को एक्सेसिव कंजम्पशन कर लेते हैं तो मजा की जगह क्या हो जाता है, सजा हो जाता है, ठीक है। तो वही इसी वजह से क्या हो गया, माइनस में चला गया, ठीक है। तो अगर एक आदमी रैशनल है, रैशनल का मतलब दिमागी हालत ठीक है उसका, ठीक है, अगर उसका दिमागी हालत ठीक है तो वो कहाँ पे स्टॉप करेगा? अगर उसका दिमागी हालत ठीक है तो फोर्थ या फिर फिफ्थ, इधर बोल रहे हैं फोर्थ, इधर क्या बोल रहे हो, फिफ्थ या फोर्थ, स्टॉप वो फोर्थ में भी कर सकता है, फिफ्थ में भी कर सकता है। लेकिन अगर वो सिक्स्थ को कंज्यूम कर ले, मतलब उसका दिमागी हालत खराब है, ठीक है, तो वो या तो फोर्थ में स्टॉप करेगा या तो फिफ्थ, फिफ्थ कंज्यूम कर रहा है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं हो रहा है ना, जीरो यूटिलिटी मिल रहा है, मतलब उसको खा के ना मजा आया ना उसको कोई प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, वो सोचा नहीं खाता तो भी चलता क्योंकि मजा तो बिल्कुल भी नहीं आया, ठीक है। तो इसीलिए या तो वो फोर्थ में स्टॉप कर जाएगा या तो फिफ्थ में स्टॉप कर जाएगा। अगर उसको गुड्स फ्री में मिल रहा है तो, मतलब उसको अगर आइसक्रीम का पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है तो, लेकिन जब उसको आइसक्रीम का पेमेंट करना पड़ेगा तब वो कहाँ पे स्टॉप करेगा, जब प्राइस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यूटिलिटी हो जाएगा, है ना, जितना वो पे कर रहा है अगर उतना यूटिलिटी उसको मिलेगा तो वो वहाँ पे स्टॉप कर जाएगा, उसके बाद और वो कंजम्पशन नहीं करेगा, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग पूरा डिटेल में इसको डिस्कशन किए थे, ठीक है। चलो अब एक चीज़ देखना, नोटिस करना, ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्जिनल यूटिलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लें। एक चीज नोटिस करना, टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, क्या हो गया, बाद में दिखाना, अभी पढ़ लो, ठीक है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, ये यहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज। फिर देखो यहां आके वो क्या हो गया है, कॉन्स्टेंट, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी नहीं हुआ, उसके बाद ये क्या हो गया है, डिक्रीज। तो एक चीज पैटर्न नोटिस करोगे, जब तक ये पॉजिटिव था, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव था तब तक ये क्या हो रहा था, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव था टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, इक्वल्स टू जीरो हो गया, तब टोटल यूटिलिटी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, नेगेटिव, तब टोटल यूटिलिटी क्या हो गया, डिक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है। तो तीन स्टेज है, इसको बोलते हैं स्टेज वन, इसको बोलते हैं स्टेज टू और इसको बोलते हैं स्टेज थ्री। इनिशियली क्या होता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होता है तब टोटल यूटिलिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगा तब टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगा तब टोटल यूटिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू होगा। अब इसी को ग्राफ में रिप्रेजेंट करके देखते हैं, ग्राफ में बना के देखते हैं इसका ग्राफ कैसा आएगा। ये है टोटल, ठीक है, इनिशियली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एक पॉइंट में जाके वो मैक्सिमम में पहुंच गया, उसके बाद ये क्या होने लग गया, डिक्रीज होने लग गया। देखो यहां से यहां तक इंक्रीज हो रहा है, ये उसका क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है, और यहां पे क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो वही ग्राफ बना है, इनिशियली वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, एक मैक्सिमम पॉइंट में पहुंचा, ये पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम पॉइंट, उसके बाद वो क्या होने लग गया, डिक्रीज होना शुरू हो गया। वहीं पे अगर मैं इसके साथ में मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बनाऊं तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसा बनेगा, इनिशियली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, या चलो ये कॉन्सेप्ट में बाद में आता है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है, एक काम करते हैं डायरेक्टली। इनिशियली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, हाई होता है और एक पॉइंट में आता है, जीरो हो जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी को अगर मैं बनाऊं तो मैं मार्जिनल यूटिलिटी कुछ इस प्रकार से बनाता हूं, ठीक है। ये किसका कर्व है, मार्जिनल
इनिशियली मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पॉजिटिव है यहां से यहां तक, ये साइड क्या है पॉजिटिव, ये कौन सा पॉइंट है जीरो वाला पॉइंट, जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है जीरो हो जाता है, और उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जा रहा है नेगेटिव, जीरो के नीचे चला गया। तो जब ये जीरो हो रहा है उसी पॉइंट पे, अच्छा थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है मैनेज कर लेना, ये क्या होता है उसी पॉइंट पे मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे तीन पॉइंट हम पढ़े, साथ में एक और रिलेशन है, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगा टोटल यूटिलिटी क्या होगा, कांस्टेंट भी होगा और मैक्सिमम पॉइंट पे भी होगा, वो अपने कौन से पॉइंट पे होगा मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर, हम लोग मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन यहीं से आता है, यही रिलेशन को हमको समझाना होता है। अगर रिटन एग्जाम होता तो तुमको पूरा ग्राफ बना के टेबल बना के सारा रिलेशन को समझाने का क्वेश्चन आता। अभी एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होता है तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार का एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और 110% यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ध्यान से तीन रिलेशन पढ़े, एक जब ये पॉजिटिव होता है तब ये क्या होता है इंक्रीजिंग स्टेट में होता है, जब ये जीरो होता है तब ये कौन से स्टेट में होता है अपने कॉन्स्टेंट स्टेट में होता है, और जब ये नेगेटिव होता है तब ये कौन से स्टेट में होता है डिक्रीजिंग स्टेट में होता है। लेकिन एक और साथ में रिलेशन है, जब ये जीरो होगा तब ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पे भी होगा, मतलब टोटल यूटिलिटी अपने कौन से पॉइंट में होगा मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, ठीक है। चलो क्लियर है चारों पांचों चारों रिलेशन, एक मैक्सिमम पॉइंट वाला और बाकी फटाफट बताओ क्लियर है। क्यों, देखो क्या होता है इनिशियली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है ज़्यादा होता है, धीरे धीरे क्या होते जाता है कम होते जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हाई पॉइंट से शुरू होके जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ता जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता जाएगा कम होते जाएगा, एक पॉइंट पे वो जीरो होगा उसके बाद वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा अब ये ग्राफ पे आ जाओ, नहीं दिखेगा एक बार में, देखो वही चीज यहां पे ग्राफ में समझाया गया, दो ग्राफ बनाया गया है, एक मार्जिनल यूटिलिटी का और दूसरा टोटल यूटिलिटी का। टोटल यूटिलिटी इनिशियली क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, ये उसका कौन सा पॉइंट है मैक्सिमम पॉइंट है, उसके बाद टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। उसी के साथ अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी को कंपेयर करें, इनिशियली मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है कौन से साइड में, पॉजिटिव साइड में, फॉलिंग में है लेकिन वो कौन सा है पॉजिटिव साइड में है, ठीक है। ये धीरे धीरे कम हो रहा है, इनिशियली 20 था फिर कम हुआ 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 फिर जीरो हो गया, लेकिन सारा पॉइंट कौन से साइड में है पॉजिटिव साइड में, ठीक है। फिर ये कहाँ आ जाएगा, एक जीरो पॉइंट में आएगा, मार्जिनल यूटिलिटी जब अपना क्या होगा जीरो होगा उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ जाएगा नेगेटिव में जाएगा, ये जब जीरो होगा तब ये कहाँ पर आएगा अपने मैक्सिमम में आएगा, एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है तब टोटल यूटिलिटी क्या होता है मैक्सिमम होता है, ठीक है क्लियर है। चलो इसको स्टेज वन, दिस पॉइंट इज स्टेज टू और इसके बाद है स्टेज थ्री, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टेज वन, इसको बोलते हैं स्टेज टू, इसको बोलते हैं स्टेज थ्री, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर को बहुत मजा आता होता है ये पॉइंट पे। स्टेज वन में कंज्यूमर को मजा आ रहा है, स्टेज टू में कंज्यूमर को ना मजा आ रहा है और ना उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, और स्टेज थ्री में कंज्यूमर के लिए क्या होता है प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये इस ये मजा, ये नो मजा नो सजा, और ये क्या है सजा, ठीक है। तो ये तीन स्टेज है कंज्यूमर के लिए, फर्स्ट में कंज्यूमर को मजा आ रहा है जब वो कंजम्पशन कर रहा है, सेकेंड स्टेज में ना उसको मजा आ रहा है ना उसको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, और थर्ड स्टेज में उसको लिए सिर्फ और सिर्फ मजा के जगह क्या आ रहा है प्रॉब्लम हो रहा है उसको, ठीक है क्लियर है तीनों स्टेज। चलो अब
आ जाओ यहाँ पे पढ़ते हैं बुक वाला क्या लिखा है, तीन स्टेज। सबसे पहला पॉइंट, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ द कॉमोडिटी एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगा तब तक टोटल यूटिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे एग्जाम्पल में फोर्थ आइसक्रीम तक जो हमारा अभी फिलहाल काम करनी है, इन दिस फेज टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। अब ये डिमिनिशिंग रेट का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, डिमिनिशिंग रेट का क्या मतलब है? देखो डिमिनिशिंग रेट का मतलब होता है, जैसे हमारे ये एग्जाम्पल में ले लेते हैं, बढ़ रहा है लेकिन कम हो होके बढ़ रहा है। देखो टोटल यूटिलिटी पहले 20 था, उसके पहले कितना होगा, जीरो होगा। तो फर्स्ट टाइम जब इंक्रीज हुआ वो कितना से इंक्रीज हुआ, उसके बाद जो इंक्रीज हुआ वो कितने से इंक्रीज हुआ, उसके बाद जो इंक्रीज हुआ वो 10 से, उसके बाद जो हुआ 4 से, उसके बाद तो 0 से। मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो हो रहा है, कोई डाउट नहीं है, हर बार टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। तो ये इंक्रीज हो रहा है लेकिन रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो धीरे 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 क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये कौन से रेट से इंक्रीज हो रहा है, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब तो डिमिनिशिंग रेट का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। डिमिनिशिंग रेट मतलब इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे स्लो होते जा रहा है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस बट अ डिमिनिशिंग रेट एज मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट ट्रेंड टू डिमिनिश, क्योंकि धीरे धीरे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक है। पहले में मार्जिनल यूटिलिटी कितना था, 20 था, फिर 16 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 4 हुआ, तो मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रहा है, इसी वजह से टोटल यूटिलिटी भी धीरे धीरे इंक्रीजिंग रेट पे डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 2, व्हेन टोटल यूटिलिटी रीचेस इस मैक्सिमम, कौन सा पॉइंट का बात हो रहा है, ये स्टेज 2 का बात हो रहा है, जब हम लोग कहाँ होते हैं, टोटल यूटिलिटी के मैक्सिमम पॉइंट पे होते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो, वो पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। हमारे वाले एग्जांपल में फिफ्थ आइसक्रीम में छोड़ दो, दिस इज नोन एट पॉइंट ऑफ सेटाइटी, पॉइंट ऑफ सेटाइटी का मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट पे जब क्या होता है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेटाइटी, सेटाइटी का मतलब होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट 4 और पॉइंट 4 और पॉइंट 5 में, हाँ हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट। ट्यू कर्व स्टार्ट्स रेजिंग एट स्टॉप्स रेजिंग, वहां पे क्या होता है, टोटल कर्व क्या होता है, राइज करना बंद कर देता है, मतलब क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, व्हेन कंजम्पशन इज इंक्रीज बियॉन्ड अ पॉइंट ऑफ सेटाइटी टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग एज मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव, ये पॉइंट पे क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है, बिकॉज टोटल यूटिलिटी भी स्टार्ट कर देता है फॉल करना, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल चुका है, उसके बाद भी हम लोग कंजम्पशन कर रहे हैं तो प्रॉब्लम होगा, पूरा मन भर चुका है, कुछ चीज़ को खा रहे हो, मन भर चुका है, पेट भर चुका है, उसके बाद भी खाते जाओगे तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो वही पॉइंट का बात हो रहा है, व्हेन कंजम्पशन इज इंक्रीज बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेटाइटी टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स फॉलिंग एज मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। तो ये स्टेज 3, दिस इज स्टेज 2 एंड दिस इज स्टेज, ठीक है, क्लियर है, तीनों स्टेज पूरा डिटेल में, चलो इधर क्लियर है सबको,
कोई डाउट है तो बोलो फटाफट। चलो फिलहाल तो क्लियर है ना। चलो तो अब आते हैं आगे। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक शुरू हो गया, अब ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। अब बस हमको थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है इस टॉपिक का जिसको हमको कवर करना है, ठीक है। क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी द यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। ऑब्वियस सा बात है, जैसे जैसे तुम कोई कॉमोडिटी को कंज्यूम करते जाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा, मन बढ़ता जाएगा, मतलब जो मज़ा आ रहा है वो मज़ा धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका कुछ एजम्पशन होता है, हर बार ऐसा नहीं होता। जैसे अगर मैं तुमको एग्जाम्पल दूँ, बहुत ज़ोर से प्यास लगा तुमको, पानी पीने का बहुत ज़ोर से प्यास लगा, ठीक है। तो पानी पीने का मतलब क्या है, एक ग्लास पानी या एक बॉटल पानी कुछ भी, मैं तुमको एक चम्मच में दो बूंद पानी ला के दिया और पिलाया, फिर उसके बाद नेक्स्ट बार फिर एक चम्मच में दो बूंद पानी दिया पिलाया, तो सेकेंड टाइम तुमको ज़्यादा मज़ा आएगा या कम मज़ा आएगा? ज़्यादा ही मज़ा आएगा, ऑब्वियस सा बात है, ठीक है। तो और भी ऐसा अगर एग्जाम्पल लें हम लोग, जैसे एक तो रिजनेबल क्वांटिटी, दूसरा आइसक्रीम खा रहे हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट आइसक्रीम में तुमको वेनिला आइसक्रीम दिया और सेकेंड आइसक्रीम तुमको दिया चॉकलेट वाला या जो भी तुम्हारा फेवरेट है वो दिया, कौन सा में ज़्यादा मज़ा आएगा? सेकेंड में मज़ा आएगा। लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? क्वालिटी, ये वो तो एजम्पशन में, ठीक है। ये क्या बोल रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? ये बोलता है कि फर्स्ट आइसक्रीम से जितना मज़ा आएगा सेकेंड में तुमको कम आना चाहिए, लेकिन हमको तो ज़्यादा आ रहा है, नहीं आ रहा है ज़्यादा। कुछ एजम्पशंस है, जैसे कि क्या क्या एजम्पशन लेंगे हम लोग। एक तो एजम्पशन ये है हमारा कि जो यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हर बार क्या होगा, सेम होगा। मतलब ना आइसक्रीम बड़ा होगा पहली बार, ना छोटा होगा दूसरी बार, ना उसका टेस्ट में कोई फ़र्क होगा, ना उसका क्वालिटी में कोई फ़र्क होगा। जो आइसक्रीम हम पहले कंज्यूम किए वही आइसक्रीम को हम लोग अभी नेक्स्ट टाइम भी सेम आइसक्रीम को कंज्यूम करेंगे, ठीक है। ये एजम्पशन हो गया। दूसरा और अगर मैं बात करूँ तो तुमको आइसक्रीम खाने के लिए दिया गया, फर्स्ट आइसक्रीम तुमको दिया गया जब तुम सुबह सो के उठे, ब्रश करने से पहले तुमको आइसक्रीम दिया गया, और दूसरा आइसक्रीम तुमको दिया गया दोपहर को बढ़िया खाना खिलाने के बाद, किसमें ज़्यादा मज़ा आएगा? दोपहर को खाना खिलाने के बाद, ऑब्वियस सा बात है ना। तो हम लोग ये एज्यूम यहाँ पे ये भी करते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यूस कंजम्पशन करेंगे, मतलब जो फर्स्ट यूनिट है और जो सेकेंड यूनिट है इसके बीच में ज़्यादा गैप नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट यूनिट जैसे मॉर्निंग को कंज्यूम किए, सेकेंड यूनिट दोपहर को किए, थर्ड यूनिट रात को किए, चौथा यूनिट चार दिन बाद किए, तो हो सकता है चौथा यूनिट में ज़्यादा मज़ा आए, है ना। तो हमारा एजम्पशन ये होता है कि हम लोग कंटिन्यूस कंजम्पशन करेंगे, मतलब फर्स्ट यूनिट अभी कंज्यूम किए, उसके तुरंत बाद सेकेंड यूनिट, उसके तुरंत बाद थर्ड यूनिट, उसके तुरंत बाद फोर्थ यूनिट, ठीक है। लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ऐसा कुछ एजम्पशंस होता है। एजम्पशंस क्या होता है, एजम्पशन का मतलब क्या होता है? एज्यूम समथिंग, क्या होता है एज्यूम करना, मतलब हम मान के चलेंगे कि ये सारे कंडीशंस क्या हैं, ऑलरेडी सेटिस्फाइड हैं। ये सारे कंडीशन मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, उस केस में क्या होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विल वर्क। अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमको सबसे पहले क्या सिखाया कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन करते जाएंगे वैसे वैसे यूटिलिटी कम होता जाएगा। अब ये सब देखते हैं क्या क्या एजम्पशन है। सबसे पहला एजम्पशन, कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी, द मोस्ट बेसिक एजम्पशन हमारा ये टॉपिक का। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हम लोग यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, जो कि करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। अगर मैं तुमको आइसक्रीम खिलाऊं और बोलूं कितना मज़ा आया बताओ, बता पाओगे तुम? या ये तो बोल सकते हो बहुत मज़ा आया या मुझे मज़ा नहीं आया। बहुत मज़ा आया तो कितना मज़ा आया मेज़र करके बताओ, कर सकते हो? पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पे अजम्पशन लेके चलते हैं
कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। तो फर्स्ट एजम्पशन और बेसिक एजम्पशन, अगर ये एजम्पशन ना लिया जाए मतलब हमारा ये चैप्टर ही किसी काम का नहीं है, ठीक है। फर्स्ट एजम्पशन, कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी, इट इज अज्यूम डेट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एंड अ कंज्यूमर कैन एक्सप्रेस हिज सेटिस्फैक्शन इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, मतलब वो न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या कर सकता है, उसको मेजर कर सकता है। जैसे आइसक्रीम खाए, फर्स्ट आइसक्रीम खा के हमको 200 यूटिल्स का मजा आया, सेकेंड आइसक्रीम खा के हमको 150 यूटिल्स का मजा आया, थर्ड आइसक्रीम खा के हमको 80 यूटिल्स का मजा आया, इस प्रकार का मेजरमेंट कंज्यूमर हमारा कर सकता है, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। रियलिटी में मतलब ये हो ही नहीं सकता, कोई बता ही नहीं सकता कि उसको खा के कितना मजा आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर टू, क्या है पॉइंट नंबर टू? पॉइंट नंबर टू, मॉनिटरी मेजर ऑफ यूटिलिटी, इट इज अज्यूम डेट यूटिलिटी इज मेजरेबल इन मॉनिटरी टर्म्स, हम उसको मॉनिटरी टर्म्स में मेजर कर सकते। लास्ट क्लास में याद करो अपने एक एग्जांपल लिए थे जिसमें आइसक्रीम का प्राइस 5 रुपये था, 5 था कि 50 था, कितना था? 50 रुपीज़ था आइसक्रीम का प्राइस, कितना था? 50 रुपीज़ था। यह हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं ये वाले एग्जांपल, और मैं तुमको बोलूँ यहाँ पे आइसक्रीम का प्राइस 10 रुपये, ठीक है, आइसक्रीम का प्राइस क्या है? 10 रुपये, ठीक है। तुम बताओ अब तुम कहाँ पे स्टॉप करोगे? क्यों थर्ड? हाँ, इन केस अगर मैं तुमको बोलूँ 1 रुपी इक्वल्स टू 1 यूटिल, ठीक है, अगर मैं तुमको ये बोलूँ कि अगर तुम 1 रुपये खर्च कर रहे हो तो तुम्हारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मिनिमम तुमको 1 यूटिलिटी का रिटर्न मिले। अगर तुमको 1 यूटिलिटी का रिटर्न नहीं मिल रहा है तो तुम उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदोगे, ठीक है। तो उस केस में हम लोग कहाँ पे स्टॉप करेंगे? थर्ड यूनिट में। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हम लोग 10 रुपये पे कर रहे हैं और एक्स्ट्रा यूटिलिटी हमको कितना मिल रहा है? 10 मिल रहा है। तो हम थर्ड यूनिट हो सकता है खरीदें या हो सकता है ना खरीदें, लेकिन फोर्थ यूनिट क्या हम खरीदेंगे? फोर्थ यूनिट खरीदेंगे हम? नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि 10 रुपये हमको पे करना पड़ रहा है और रिटर्न कितना मिल रहा है? 4 यूटिल मिल रहा है, तो हम लोग फोर्थ यूनिट को नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मॉनिटरी मेजर ऑफ यूटिलिटी। ये जो 1 रुपये इक्वल्स टू 1 यूटिल लिखा ना, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉनिटरी मेजर ऑफ यूटिलिटी। ये भी एक अजम्पशन है, क्या पॉसिबल है इसको भी मेजर कर पाना? इसको भी कर पाना पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करते हैं? अजम्पशन में लेके चलते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर टू हो गया मॉनिटरी मेजर ऑफ यूटिलिटी। थर्ड नंबर, कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। अब ये रीजनेबल क्या होता है? किसको बोलेंगे रीजनेबल क्वांटिटी? जैसे हम अभी पानी का बात किए, वाटर का रीजनेबल क्वांटिटी होना चाहिए, मतलब या तो एक ग्लास ऑफ वाटर, या तो एक बॉटल ऑफ वाटर, या फिर 100 ml, 200 ml या 300 ml, एक रीजनेबल क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं तुमको वहीं पे एक चम्मच में पानी दूं, 2 बूंद, तो क्या वो रीजनेबल क्वांटिटी है? वो रीजनेबल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो जब हमारा क्वांटिटी रीजनेबल नहीं होगा तब हमारा ये लॉ काम नहीं करेगा। इट इज अज्यूम डेट रीजनेबल क्वांटिटी ऑफ द कॉमोडिटी इज कंज्यूम। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड कंपेयर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ग्लास फुल ऑफ वाटर एंड नॉट अ स्पून फुल ऑफ वाटर। एक चम्मच के मैं पानी का बात नहीं करेंगे हम लोग, एक एटलीस्ट एक ग्लास पानी हम लोग लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कंटिन्यूस कंजम्पशन, वही वाला पॉइंट जो अभी जस्ट डिस्कस किए थे। इट इज अज्यूम डेट कंजम्पशन ऑफ कंजम्पशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन आइसक्रीम इज कंज्यूम्ड इन द मॉर्निंग एंड अनादर इन द इवनिंग, एक मॉर्निंग में कंज्यूम करो दूसरा इवनिंग में करो, तो हो सकता है दूसरा आइसक्रीम में ज़्यादा मजा आए, है ना। इसलिए हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूस कंजम्पशन करेंगे, मतलब एक के बाद एक के बाद एक हम लोग कंजम्पशन करते जाएंगे, ठीक है। थर्ड, नो चेंज इन क्वालिटी, वैनिला और चॉकलेट, वैनिला आइसक्रीम और चॉकलेट आइसक्रीम, ठीक है। क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब अगर हम फर्स्ट आइसक्रीम वैनिला कंज्यूम किए थे तो दूसरा भी क्या करेंगे? वैनिला ही करेंगे। हम दूसरा आइसक्रीम कोई और सा नहीं ले सकते।
ना क्वालिटी में, ना साइज में, ना टेस्ट में, ना ब्रांड में, ना किसी और चीज में हम लोग डिफर नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ द कॉमोडिटी कंज्यूम इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म। अ सेकेंड कप ऑफ आइसक्रीम विथ नट्स एंड टॉपिंग्स मे गिव मोर सेटिस्फेक्शन देन द फर्स्ट वन। ऑब्वियस सा बात है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में चॉकलेट आइसक्रीम, इफ द फर्स्ट आइसक्रीम वॉज विदाउट नट्स एंड टॉपिंग। थर्ड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक अजम्पशन, हमारा कंज्यूमर का दिमागी हालत ठीक है, ठीक है। तो हम लोग मान के चलते हैं कंज्यूमर का क्या है, दिमागी हालत ठीक है, मतलब वो रैशनल कंज्यूमर है, ठीक है। द कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रैशनल हु मेजर्स, कैलकुलेट्स, कंपेयर्स द यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट कॉमोडिटी एंड एम एट मैक्सिमाइजिंग टोटल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, इट इज अज्यूम दैट ऑल द कॉमोडिटी कंज्यूम बाय द कंज्यूमर आर इंडिपेंडेंट। इट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन कॉमोडिटी हैज नो रिलेशन विद द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अनादर कॉम। फॉर एग्जाम्पल फर्दर इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट वन पर्सन यूटिलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द यूटिलिटी ऑफ द अदर पर्सन। क्या लिखा है बताओ, इसका कोई एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का बताओ। जो कॉमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो क्या अलग अलग चीज, एग्जाम्पल कोई भी, आइसक्रीम के साथ अगर हम जैसे कोई भी दो चीज मान लो साथ में कंज्यूम करते हैं, चाय और बिस्किट। सिर्फ बिस्किट खाओगे मजा आएगा या सिर्फ चाय पीने से मजा नहीं आएगा, लेकिन दोनों जब साथ में मिलेगा तब ज्यादा मजा आएगा, है ना। तो वही चीज लिखा है, अगर हम दो कॉमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं तो दोनों का यूटिलिटी क्या होना चाहिए, अलग अलग हम लोग मेजर कर पाना चाहिए। हम चाय बिस्किट साथ में खा के ये बता पाना चाहिए कि चाय पी के कितना मजा आया, बिस्किट खा के कितना मजा आया, दोनों का यूटिलिटी ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ज्वाइंट यूटिलिटी के केस में हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या काम नहीं करता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल चाय और बिस्किट, ठीक है। खाली बिस्किट खाने से भी मजा नहीं आएगा, खाली चाय पीने से भी मजा नहीं आएगा, लेकिन जब हम दोनों को साथ में करें तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो वही चीज लिखा है। उसके बाद साथ में एक और पॉइंट लिखा है, इट इज ऑल्सो अज्यूम डेट, ध्यान से देखना लास्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो अज्यूम डेट वन पर्सन यूटिलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द यूटिलिटी ऑफ एनी अदर पर्सन। किसी और के खाने से तुमको मजा नहीं आना चाहिए, है ना। किसी और के खाने से तुमको मजा नहीं आना चाहिए, या किसी और के नहीं खाने से तुमको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये वही लिखा हुआ है, अगर ऐसा होता है तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करेगा, ठीक है। समझ गए ना क्या है पॉइंट, ठीक। किसी को नहीं समझ में आया तो आ गया समझ में, चलो नेक्स्ट। इधर कीर्ति, मुस्कान, सोनाली, विदिशा, क्लियर है पॉइंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब ये पॉइंट को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे बिकॉज इट इज अ टेक्निकल पॉइंट, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस, परफेक्ट नॉलेज, दो पॉइंट बचे। फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस, इट इज अज्यूम डेट इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइसेस ऑफ द गुड्स विच द कंज्यूमर विशेज टू परचेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। प्राइस भी उसका क्या है, कॉन्स्टेंट है, और कंज्यूमर का इनकम भी क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अगर कंज्यूमर का इनकम चेंज हो जाए तो बीच में हो सकता है उसको वो कम यूटिलिटी में भी ज्यादा कंज्यूम करे, ठीक है। तो उसके लिए वो वाला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उसके लिए काम करना बंद कर दे, ठीक है। लास्ट परफेक्ट नॉलेज, मार्केट का नॉलेज होना चाहिए परफेक्टली, या जो कॉमोडिटी को तुम कंज्यूम कर रहे हो वो कॉमोडिटी का तुमको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। इट इज अज्यूम डेट कंज्यूमर नोज द डिफरेंट गुड्स विच हिज इनकम कैन बी स्पेंड, वेर इज इनकम कैन बी स्पेंड एंड द यूटिलिटी डेट इज लाइकली टू गेट आउट ऑफ सच कंजम्पशन। इट मीन्स दैट कंज्यूमर हैज परफेक्ट नॉलेज ऑफ वेरियस चॉइसेस अवेलेबल टू हिम। उसके पास क्या क्या सामान है,
क्या प्रोडक्ट कितने रुपए में मिल रहा है मार्केट में, उसको सारा नॉलेज होना चाहिए। मतलब बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए हमारा कंज्यूमर, उसके पास सारा नॉलेज क्या होना चाहिए, पहले से होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो तो फिर हम आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, और बताओ कोई डाउट है तो फटाफट बोलो। क्या कौन बोला डाउट है? कोई बोला ना? बोलो डाउट, बोलो क्या है? कोई डाउट नहीं है, करेंगे जो उसका बनाएंगे। कहाँ जाओगे? वाइजेक जाओगे? ठीक, चलो ठीक है, तो बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो बाय बाय।